तो जी नाजीन, आज हम आपके लिए लेके आए डबल रोड के ऊपर घर। आप देख रहे हैं ये डबल रोड है सोसाइटी का। बहुत ज्यादा डिमांड आपकी आ रही थी कि डबल रोड के ऊपर घर दिखाया जाए, और आप देखें 80 फीट रोड है और इसके साथ ही बिल्कुल आपको घर मिल जाता है। स्पेनिश घर आपके लिए आज हम लेके आए, 3 मरला का डबल स्टोरी और खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन का ईस्ट फेसिंग हाउस है। ईस्ट फेसिंग हाउस है, यहाँ से आपका सूरज निकलता है और दूसरी तरफ ग्रूब होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुदस्सिर अली मिनहास, और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, आज हम दोबारा आपके लिए 3 मरला का डबल स्टोरी स्पेनिश घर लेके आए हैं। आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त फ्रंट एलिवेशन का हामिल ये घर है। इसका बाहर का पेंट देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसके कलर कम्बिनेशन रखे गए हैं और नुमाया लुक ये दे रहा है। इसके अगर लोकेशन की हम बात करें तो वाइटल हाउसिंग सोसाइटी में घर मौजूद है। ईस्ट फेसिंग के साथ ये घर आपको मिल जाता है। अगर हम इसके रोड की विजिनिटी आपको दिखाएँ तो 30 फिट वाइड कारपेट रोड है। सामने आपको मस्जिद मिल जाती है, मस्जिद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कम्प्लीट हो जाए। तो ये जी आपको मैं लेफ्ट साइड से भी रोड दिखा देता हूँ। आप देखें जी लेफ्ट साइड से 80 फीट वाइड डबल रोड है और डबल रोड के बिल्कुल नियर आपको ये मिल जाता है। तो ये सोसाइटी का मेन गेट है और बहुत ही नीट एंड क्लीन सोसाइटी है। LDAC ये अप्रूव सोसाइटी है। इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पे वापडा की मिल जाती है। आपको घर के अंदर लेके चलते हैं और मुकम्मल आपको ये भी बता दें कि सुई गैस का यहाँ पे डिमांड नोटिस पे हो चुका है। अनकरीब यहाँ पे सुई गैस भी अवेलेबल होगी। अभी सुई गैस अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग के ऊपर लॉन एरिया आपको बड़ा खूबसूरत मिल जाता है और आप देखें रैम्प के ऊपर आपको टाइल मिलती है, खूबसूरत टाइल है। आप इधर अपनी गाड़ियाँ बाहर भी खड़ी कर सकते हैं। आपको घर के अंदर लेके चलते हैं, अंदर से मुकम्मल रिव्यू करवाते हैं। जैसे ही आपको घर के अंदर लेके आते हैं तो आपको गैराज पे आप देखें बड़ी खूबसूरत टाइल वर्क मिलता है, और अंदर जैसे ही हम आते हैं तो हमें यहाँ पे मोज़ेक का काम मिलता है जो बहुत ही खूबसूरत किया गया। ये स्टोन वर्क होता है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोन वर्क किया गया है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ही सुबहान अल्लाह अज़ीम। तो ये स्टार्टिंग के ऊपर पोर्टरूम की ऑप्शन भी है, और अक्सर लोग यहाँ पे बिल्कुल गली को छोड़ देते हैं, लेकिन ऑनर ने यहाँ पे पोर्टरूम आपके गेस्ट के लिए बनाया है। आपको अंदर लेके चलते हैं। जैसे ही आपको अंदर लेके आते हैं गैराज से टीवी लॉन्च की तरफ, तो ये टीवी लॉन्च में एंटर होने से पहले आप डोर देखें, बड़ा खूबसूरत लगाया गया है और तकरीबन ये डोर जो है 9 फुट हाइट के ऊपर लगाया गया है। इसकी जो स्टेयर्स हैं वो गैराज में से ही हैं, आप कल को ईजिली इसको रेंट आउट कर सकते हैं। आपको अंदर लेके चलते हैं। जैसे ही अंदर लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिलती है। बड़े साइज में ये टाइल फ्लोरिंग की गई है। अक्सर ये टाइल फ्लोरिंग जो है 2x4 ये केनाल के या 10 मरला के घरों में की जाती है। ये टीवी लॉन्च का पॉइंट है। इधर हम आपको फनूस और पंखे पूरे घर में लगा के दे रहे हैं। आप देखें सीलिंग में रोप लाइट भी इंस्टॉल्ड है, इसकी सीलिंग भी खूबसूरत की गई है। इस साइड पर अगर हम देखें इसका ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च इकट्ठे हैं। आप चाहें तो कर्टन्स वगैरह लगा के इसको सेपरेट कर सकते हैं। और इसका डोर का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, खूबसूरत डोर का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा रखा गया है। और इसी तरह से आपको मैं किचन दिखा देता हूँ। इसका किचन आप देखें, वाइट और मेहरून शीट के साथ इसके किचन को डिज़ाइन किया हुआ है। हुड यहाँ पर डिलाइट का आपको मिल रहा है और इलेक्ट्रिक चूल्हा भी आपको इंस्टॉल मिल रहा है। तो काफ़ी स्पेशियस साइज़ में इसका किचन है, बड़े साइज़ में किचन इसका रखा गया है। और इसी तरह से मैं आपको बेडरूम में लेके चलता हूँ, ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम में। ये नाज़रीन इसका ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम है, और बेडरूम के अंदर आपको वार्डरोब्स 2 सेक्शन में इंस्टॉल्ड मिल रही है। LDA प्रूफ सोसाइटी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसे कि यूनिक सोसाइटीज़ में घर जो है बहुत महंगे हो चुके हैं, लेकिन हम आपके लिए बहुत रीज़नेबल डिमांड का घर लेके आए हैं LDA प्रूफ सोसाइटी के अंदर। और इसकी यहाँ अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये पाकरब हाउसिंग सोसाइटी फिरोजपुर रोड से बिल्कुल नियर है। कलमा चौक से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव में आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिन यूज़ किया गया, वेंटी नहीं है। इधर वेंटी होनी चाहिए थी। अगर ऑनर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ आप वॉशरूम्स में वेंटी रखें, आजकल का जो फैशन चल रहा है। तो ये भी सिर्फ अगर इन्होंने ये लगाई है बेसन, तो ये भी आपके फ़ायदे के लिए लगाई, क्योंकि जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा डाली जाएंगी वो आपके घर के लोड प्राइस के ऊपर लोड पड़ेगा। तो ये बैक साइड पे भी आपको गली मिल रही है। इसी तरह से आपको लेकर चलता हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर का आपको मुकम्मल रिव्यू करवा देते हैं।
जी नाज़रीन, स्टेयर्स पे जैसे ही हम जाते हैं तो हमें ट्रॉपिकल मार्बल का इस्तेमाल मिलता है, साइड पे स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिलती है। गैराज साइज आप देख सकते हैं, काफ़ी बिग साइज में गैराज है, मतलब कि आपकी गाड़ी बड़ी भी यहाँ पे खड़ी हो सकती है इजीली। और हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। अच्छा, जो बाइक फ्रंट पे किया गया था वही अंदर रोक वाली है। ये बड़ा एक लाइट सा कलर है, बड़ा खूबसूरत कलर है ये जो किया गया इसमें रोक वाल का। तो जैसे ही हम आपको ऊपर लेके आते हैं, ट्रॉपिकल मार्बल और साइड पे स्टेनलेस स्टील की रेलिंग। ये जी फर्स्ट फ्लोर में ले आए हैं आपको। इधर 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, व्हाइट कलर में है। रूम्स के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और ये आपका रूम है, सीलिंग में फैंस, और ये विंडो वेंटिलेशन के लिए। इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप ओपन भी कर सकते हैं। ये देखें जी, वो आप रोड देखें, खूबसूरत रोड है। और पुरस्कून सोसाइटी है। ये आपको वॉशरूम का विजिट करवा रहा हूँ। इस घर के अंदर आपको 3 बेडरूम, 3 ही वॉशरूम, डबल किचन और डबल टीवी लॉन्च मिल जाते हैं। ये आपको फर्स्ट टीवी लॉन्च में लेके हैं, फर्स्ट टीवी लॉन्च। इस साइड पे आपका किचन और टीवी लॉन्च की सीलिंग देखें, खूबसूरत सीलिंग। सीलिंग में रोप लाइट इंस्टॉल्ड है। ये लास्ट बेडरूम, इस बेडरूम की टाइल मुझे बहुत ही प्यारी लगी है। आप देखें, खूबसूरत टाइल रखी गई है और बड़ा प्यारा एक मार्बल टेक्सचर है इस टाइल का। 2x4 की ये टाइल है। इसकी अगर हम सीलिंग की बात करें रूम की, तो सीलिंग भी इसकी खूबसूरत है। इसके बैक वाला घर भी बन रहा है। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि साथ प्लॉट खाली है ये, तो इसके बैक पे भी घर तैयार हो रहा है। ये जी आपको वॉशरूम दिखाया जा रहा है। वॉशरूम की टाइल्स आप देखें, खूबसूरत टाइल्स रखी हुई हैं। इसकी सीलिंग और इधर भी बेसिन की ऑप्शन, और इसकी वार्डरोब इस रूम की डोर के पीछे। जी नाज़रीन, आप इस घर की प्राइस की बात करते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो 1,10,00,000 इस घर की डिमांड की जा रही है। 1,10,00,000 इस घर की डिमांड है। टोकन के ऊपर नेगोशिएबल है। अगर आप इस घर को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इधर आप अपने फ्लावर्स भी रख सकते हैं, कल को आप इधर कैबिनेट भी बना सकते हैं। शोरूम आप देखें, काफ़ी बड़े साइज में शोरूम आपको मिल जाता है। ममटी काफ़ी बिग है इसकी। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन का ये घर है। इस सोसाइटी में आपको पार्क, मस्जिद, स्कूल, मार्केट सब कुछ मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।